तो हाँ भाई, क्या हाल है? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एक वीडियो ड्यू थी और उसके बाद एक मैच हुआ है हमारा न्यूजीलैंड वर्सेस एलियंस, और उसके बाद अगला मैच हुआ है हमारा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोनों मैचेस बहुत अच्छे मैचेस हुए। एक मैच तो वन साइडेड मैच हुआ जो कि सॉरी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका था, वो तो बिल्कुल इंडिया ने आउटक्लास कर दिया। और आई डोंट नो कि ये इंडिया की पिचेस इंडिया की फेवर में इतनी क्यों जा रही हैं और क्या सीन हो रहा है और ये किस वजह से सीन हो रहा है, क्योंकि उनकी सारी पिचेस, जो भी इंडिया का मैच हुआ, जिस पिच पे इंडिया का मैच हुआ है, वो इंडिया की फेवर में ही टर्न आउट हुआ है। चाहे जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, न्यूजीलैंड से मैच हुआ उनका, अफ्रीका से मैच हुआ, भाई उन्होंने अपने बॉलिंग ऑर्डर को जो है ना, उन्होंने जो उनका जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग जो है ना, उनका ट्रियो बन गया है, शामी का, बुमराह और सिराज, जिनको बाकी ममालिक में विकेट्स ही नहीं मिल रही होती। सिराज और शामी को तो इतनी मार पड़ रही होती है कि अल्लाह माफ़ करे, और ये स्टार बन चुके हैं इंडिया के। तो आई डोंट नो कि शायद इसी मकसद की वजह से इंडिया में हो रहा था। आप इतने कॉन्ट्रोवर्शियल आउट्स हुए हैं, इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हो रही हैं कि यू नो यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। हमारी बारी LBW होता है तो वो लग के अंपायर्स कॉल चला जाता है, और इतना छोटा सा डिस्टेंस था बॉल पिचिंग में और बैट हिटिंग में, बट स्टिल फिर भी बॉल स्विंग हो गई और वो सारे लाइक देर वर सो मेनी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स बिटवीन यू नो इन मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे ऑल व्हाट मैटर्स इज रिजल्ट, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग अबाउट दैट। जो होना था वो हो चुका है और वो अब चेंज नहीं हो सकता। इंडिया मैच जीत चुका है एंड इंडिया हैज फाइनली क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल्स। इनफैक्ट अफ्रीका हैज ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल्स, उनको भी क्वालिफिकेशन हो गई उनकी भी। और उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ विच वॉज बिटवीन न्यूजीलैंड वर्सेज एलियंस। हाँ, मतलब पाकिस्तान नहीं खेल रहा था, एलियंस खेल रहे थे भाई। दे वर फ्रॉम अनदर प्लैनेट। दैट प्लेयर, दोज ऑल प्लेयर्स, दैट टीम वॉज फ्रॉम अनदर प्लैनेट, दैट वॉज फ्रॉम नॉट दिस वर्ल्ड। दैट वॉज समथिंग कि जो हमने नॉर्मली हम ये चीजें नहीं देखते। कैन यू इमेजिन दैट? 402 रन का टारगेट, पाकिस्तान चेजिंग डाउन, एंड पाकिस्तान मार रहा है यार। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, जिस तरह लोग खेल रहे थे, द इंटेंट दे शोड, दे वर वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल। अब्दुल्ला शफीक आए, उन्होंने भी अटेम्प्ट किया। फखर जमान, ही वॉज आउटस्टैंडिंग, ही वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट। पहली बॉल से ही उस बंदे ने जो चमाटे मारना शुरू किए हैं, उसने जो कमाल काम शुरू किया है, और वो एंड तक मुझे सिर्फ एक डर लग रहा था जब 161 पे पहली दफा बारिश हुई। आई वॉज प्रेइंग अल्लाह मियाँ बारिश होती रहे, जस्ट बिकॉज कि यू नेवर नो अबाउट पाकिस्तान टीम। हम 161 पे हमारे एक आउट होते हैं और हम 191 पे सारे आउट हो जाते हैं, तो हमारा ये मसला भी है। सो आई वॉज प्रेइंग या अल्लाह, हम अभी पार स्कोर से आगे हैं, बस अब ख़त्म ना हो बारिश। भाई वो क्रेजी हो गया था मोमेंट, वो क्रेजी मोमेंट था। छक्के देख देख के मेरा, मैं तो पागल हो गया था खुशी से यार। वो एक मिनट में जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, वो वाला सीन हो गया था। क्यों? क्योंकि हमने आज तक ये देखा ही नहीं भाई। तो आई वॉज सो एक्साइटेड, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, और वो कमाल सीन था। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी, हमारे बॉयज दोबारा आए, हमारे बॉयज ने दोबारा माहौल बनाया भाई। मतलब उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने नहीं आसरा ही नहीं किया भाई, उन्होंने टाइम ही नहीं दिया उनको। सूदी को तो मार मार के अल्लाह माफ करे, उसने याद दिला दिए होंगे सारे जितने दुनिया से जा चुके ना, उसको सब याद दिलाए होंगे भाई। उन्होंने सही बताया कि आप आज हम सही इंटेंट से आए हैं भाई। मुझे तो लग रहा था अगर ये लोग खड़े रहते तो ये 400 भी मार देते जिस तरह ये लोग खड़े हुए खेल रहे थे। बट अगेन जब दोबारा बारिश हुई, आई वॉज प्रेइंग या अल्लाह मैच खत्म हो जाए। क्यों यार? यू कैन नॉट इमेजिन कि यार पाकिस्तान टीम किस टाइम पे कैसा बिहेव कर दे, किस टाइम पे इनकी जो है ना सारी जितनी भी मोटिवेशन है सारी डाउन हो जाती है। सो फॉर दैट आई वॉज प्रेइंग कि यार राइट नाउ 2 points आर इम्पॉर्टेंट, 2 points हमें मिल जाएंगे, दैट इज मच इम्पॉर्टेंट। हम जीत जाएंगे, थोड़ा सा रनरेट भी बेहतर हो जाएगा, हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट 2 points आ जाएंगे। सो दैट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसलिए आई वॉज प्रेइंग लाइक दैट। सो यार हम वो खैर
जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह, एक अच्छा रिजल्ट आ गया हमारे हक में, रिजल्ट आ गया 21 रन से हम वो मैच जीत गए, थोड़ा रन रेट ही बेहतर हो गया, ऑल्दो कि हम पांचवें नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे नहीं है, बट वी आर सेम ऑन पॉइंट्स विद न्यूजीलैंड नाउ। अब व्हाट्स द सिनेरियो राइट नाउ? द सिनेरियो इज कि पाकिस्तान इज स्टिल नॉट क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल्स, न्यूजीलैंड इज स्टिल नॉट क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल्स। अब इनका मामला यह है, और पीछे से याद रहे कि अफगानिस्तान भी रेस में आ रहा है, अफगानिस्तान इज ऑल्सो यू नो इन अ रश, वो भी सारे मैचेस अपने जीतता हुआ रहा है, बड़े मैचेस भी उसने जीते हुए, उसने सेटबैक्स भी दिए हुए, सो अफगानिस्तान इज ऑल्सो इन द रश एज वेल, वो भी अफगानिस्तान और ऑल्सो इन द क्यू एज वेल, वो भी लाइन में मौजूद हैं, यू कैन नॉट निगलेक्ट दैम, दे हैव प्लेड वेरी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और अगर वो सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाते हैं तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, बिकॉज दे हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल, बट स्टिल दे हैव टू बिग मैचेस, तो इसलिए उनका थोड़ा सा चांस जो है वो कम है, उनका सीन थोड़ा सा कम है, दे हैव वन मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड वन मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो दोनों उनके बड़े मैचेस हैं, इसलिए थोड़ा सा उनका सीन बैड हो सकता है, बट एज फार एज न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान एंड कंसर्न, न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है और पाकिस्तान एंड इंग्लैंड का मैच है, आई होप कि पाकिस्तान और इंग्लैंड से अपना मैच जीत जाएगा, बट द मेन थिंग इज कि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से या तो हारता है तब पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है, अगर न्यूजीलैंड का श्रीलंका से मैच ही नहीं होता, जो कि प्रेडिक्शन है बारिश की, अगर मैच ही नहीं होता देन पाकिस्तान हैज चांस के वो आगे क्वालिफाई कर जाए सेमीफाइनल के लिए, अगर वो इंग्लैंड से अपना मैच जीत जाता है तो, अगर बारिश हो जाती है तो एक एक पॉइंट मिल जाएगा न्यूजीलैंड और श्रीलंका को, पाकिस्तान के अगर पाकिस्तान अपना इंग्लैंड से जीत गया तो पाकिस्तान के 10 पॉइंट्स हो जाएंगे और पाकिस्तान ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा, बट व्हेन इफ इट कम्स टू रन रेट तो पाकिस्तान को 130 रन से तो ऑलरेडी अहेड रहना ही रहना है। अब लेट्स सपोज न्यूजीलैंड विंस बाय 30 रन, तो आप 130 में 30 रन ऐड करते हैं, पाकिस्तान को 160 रन से जीतना पड़ेगा, न्यूजीलैंड विंस बाय 50 रन, आप पाकिस्तान को 130 प्लस 50 180 रन से जीतना पड़ेगा, तो 130 का मार्जिन तो एक कांस्टेंट है, अब न्यूजीलैंड जितने भी रन से जीतता है वो रन ऐड हो जाएंगे 130 में, एंड देन पाकिस्तान विल हैव टू यू नो चेस डाउन, या फिर उस तरह उसको जीतना पड़ेगा, अगर पाकिस्तान चेस डाउन करते हैं तो कितनी विकेट से जीतना पड़ेगा, कितने ओवर्स पहले शुरू करना है या खत्म करना है, वो तो फिर उसी टाइम पे डिसाइड होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस वगैरह उसी टाइम पे होती है टारगेट के हिसाब से, रन रेट के हिसाब से, सो दैट्स अनदर स्टोरी, बट व्हेन इट कम्स टू यू नो डिफेंडिंग द टोटल, तो पाकिस्तान को कम से कम भी इंग्लैंड को 130 रन से तो हराना ही हराना है, और विद एड ऑन ऑल दोज रन जिससे न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका को अगर हरा देता है, अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड का मैच हो जाता है तो, सो ये स्टोरी है फिलहाल। सो फॉर नाउ सारे मामलात वगैरह जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, उसके अलावा वैसे भी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच आखिरी मैच है, तो जितने भी इफ्स एंड बर्ड्स होंगे सारे तब तक हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई इतने इतने से जीतना है, इतने इतने से करना है, तो आई होप कि पाकिस्तान क्वालिफाइज फॉर सेमीफाइनल, आई होप एंड आई प्रे कि पाकिस्तान सॉरी न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में बारिश हो जाए, ताकि ये वाला मामला रहे नहीं रन रेट वाला, बारिश हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान को सिर्फ इंग्लैंड से मैच जीतना होगा। जो कि हमारे लिए थोड़ा सा आई फील लाइक कि एक हमारे लिए प्लस पॉइंट भी होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे यू नो इंटेंट से हम मैच खेल कर आए हैं पीछे और एक अच्छी जीत लेकर आए हैं, और इंग्लैंड इतना जो है ना प्रेफरेबली इतना परफॉर्म कर भी नहीं रही अगर हम देखें पिछले मैचेस उसके, तो हमारे पास चांस ज़्यादा होगा कि हम इंग्लैंड को हरा दें। सो लेट्स होप कि इनका मैच वॉश आउट हो जाए न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, लेट्स होप कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और इंग्लैंड के खिलाफ जीत जाए, इधर केस बस पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए, और ऑल द प्रेयर्स विद द टीम, बेस्ट ऑफ लक। अब तक के लिए इतना ही यार, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट, और प्लीज डू हिट द बेल आइकन एज वेल, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।